नमस्कार, मैं हूं बिंदु चावला और आप देख रहे हैं वेदांग ज्योतिष का एक नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से केतु के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, क्या क्या उपाय होंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी सहायता करने के लिए हैं सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आभा जी। सबसे पहले पिछले एपिसोड में तो हमने जाना था कि किस तरह से केतु का प्रभाव रहता है, और उससे आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, तो किस तरह से हम उस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केतु ही डिप्रेशन देता है, कुछ और ग्रह भी हैं जो आपको डिप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन केतु की भूमिका इसमें अहम है, क्योंकि केतु हमारे मन को व्यथा देता है, दुख देता है, अगर वह कुंडली में अच्छा ना बैठा हो। लेकिन केतु से डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु और केतु राजयोग कारक ग्रह भी बन जाते हैं जब वह केंद्र त्रिकोण में आते हैं और केंद्र त्रिकोण के किसी ग्रह के स्वामी के साथ वे युति करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केतु व्यथा ही देगा या डिप्रेशन देगा, लेकिन वह आपको राइज भी दे सकता है और प्रमोशन भी दे सकता है, क्योंकि केतु तो पताका है। केतु को झंडे के रूप में माना जाता है, यानी कि जो आपको ऊँचाइयों तक ले जाए। लेकिन केतु की दशा अगर किसी की कुंडली में हो तो ऐसा भी देखा गया है कि वह व्यक्ति ऐसी बीमारियों से दो चार होता है जिसके बारे में डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते, क्योंकि केतु की दशा महादशा चल रही हो और केतु का ही अंतर हो तो ऐसा देखा गया है कि एक साल तक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है और डॉक्टर सब तरह के टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कोई भी दवा उसे सूट नहीं करती, और केतु की अंतरदशा खत्म होती ही वह ठीक हो जाता है। केतु का संबंध इंसेक्ट से आता है, केतु का संबंध मच्छर से आता है, इसीलिए डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां केतु के प्रभाव से होती हैं। इवन जो मलेरिया है वह भी केतु जनित एक रोग कहलाता है। केतु के प्रभाव में यह व्यक्ति हो या उसका दशा अच्छी ना हो, उसकी कुंडली में ग्रह ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो, तो वह कुत्ते से भी काटा जाता है। तो केतु का संबंध तो इंसेक्ट से, मच्छर से, डॉग से, इवन मछली से भी केतु का संबंध आता है। और अगर हम बात करते हैं बीमारियों की, किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियां केतु के साथ जुड़ी हुई हैं? जी देखिए, केतु के कहाँ बैठा है कुंडली में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर केतु अष्टम का है और उस पर शनि की भी दृष्टि है तो यह हो सकता है व्यक्ति किसी लंबी चलने वाली बीमारी से ग्रस्त हो। इवन कैंसर भी इसमें आ सकता है और एड्स भी आ सकता है। लेकिन केतु का प्रभाव अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि है तो वह व्यक्ति केतु की दशा खत्म होते ही या वह उसकी जीवन की जो खराब दशा है उसके खत्म होते ही रिकवरी भी कर सकता है। 11वें घर का केतु आपको बहुत अधिक पैसा दिला सकता है। मुझे एक केस याद आ रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी केतु की दशा चल रही है, बताइए कैसा रोल होगा। उसने सोचा था, जैसे दूसरे पंडित बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने उन्हें बोला, क्या आपने बहुत अधिक पैसा कमाया है? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले साल में ही 80 लाख तक का मुनाफा भूमि बेचकर कमाया था। तो ये केतु का ही रोल था कि 11वें घर का केतु उन्हें बहुत अधिक पैसा दिला सका। केतु को इसलिए खराब सेंस में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, केतु का पूरी कुंडली का टोटेलिटी में अध्ययन करने के बाद ही प्रभाव बताया जा सकता है। आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो पैसों की बात होती है तो प्रोफेशन किस तरह से जुड़े हुए हैं केतु के साथ? जी देखिए, राहु केतु को सर्जन से जुड़ा गया है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से जुड़ा गया है। इवन जो टेस्ट करते हैं या फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं वह भी केतु से रिलेटेड उनका प्रोफेशन दिखाता है, और साथ ही मैजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स भी आपके केतु की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि केतु आपको रिसर्च कराता है। जनरली केतु का शुभ प्रभाव होने पर व्यक्ति किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए रुचि लेता है और वह उसमें गहन अध्ययन करने में सक्षम होता है। तो केतु का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर राहु केतु लगन और सप्तम भाव में हो तो वह व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक अलग एक आकर्षण भी पैदा करते हैं। लेकिन अगर वही केतु अगर खराब सेंस में हो, खराब कुंडली में स्थिति दिखाता हो या उस पर शनि मंगल की दृष्टि हो, तो वह व्यक्ति को एक कन्फ्यूज पर्सनैलिटी या जिसका पुअर कंसंट्रेशन होता है वह दिखा सकता है। केतु प्रधान लोगों की हम बात करें तो उनके लिए कौन से प्रोफेशन ठीक रहते हैं, कौन से प्रोफेशंस के साथ वो जुड़े हैं?
जी देखिए, जिनकी कुंडली में केतु का प्रभाव हो या केतु का दसवें घर से संबंध आए, क्योंकि दसवां घर कुंडली का आपको आपके प्रोफेशन से जोड़ता है, तो केतु आपको ना केवल रिसर्च करा सकता है, वह आपको साइंटिस्ट बना सकता है, वो आपको डॉक्टर भी बना सकता है। इवन जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी कुंडली में तो देखा गया है कि मंगल और राहु केतु का रोल आता है उनके दूसरे और पंचम भाव से। साथ ही केतु आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, केतु आपको किसी भी शास्त्र में गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और वह उसमें आपको संपूर्ण और सक्षम बनाता है। तो किसी भी साइंटिस्ट या ये कह सकते हैं कि जो ऐसे अनुसंधान के से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उनसे केतु आपको जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों के जिनके ऊपर केतु का प्रभाव रहता है, उनके वैवाहिक संबंधों का यानी कि दाम्पत्य जीवन का, उन पर क्या प्रभाव रहता है? जी, राहु केतु का प्रभाव होने से व्यक्ति के विवाह में थोड़ा सा अरुचि हो सकती है या वह दिले से मैरिज करे। राहु केतु अगर सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं तो वह व्यक्ति या तो देर से विवाह करता है या उसके वैवाहिक संबंध सुखद नहीं होते। और अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो शायद वह विवाह चल भी जाए, लेकिन उसमें वो मिलनसार रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि उसे अरुचि रहती है। ऐसा देखा गया है कि सूर्य में केतु की अंतर्दशा हो तो वह व्यक्ति विवाह कर तो लेता है लेकिन साल भर में ही उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। ये हो सकता है कि केतु की दशा हो तो वह व्यक्ति या तो वैवाहिक संबंधों में अरुचि पाए और या फिर उसको कोई बीमारी या फोबिया हो जाए या वो डिप्रेशन में चले जाए, तो वह डॉक्टरों से मदद लेने पर भी ठीक ना हो पाए या उसका संबंधों में रुचि ना बढ़े। तो ये कह सकते हैं कि राहु केतु की दशा या केतु का संबंध सप्तम भाव में होने से वैवाहिक संबंधों में मधुरता में कमी आती है। आभा जी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी बताई आपने कि किस तरह से हम लोग जब केतु का प्रभाव रहता है तो प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए इनसे? जी, अगर कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है और वह मंगल शनि या पीड़ित है तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को केतु का दुष्प्रभाव कम करने के लिए भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तती का पाठ, नारायण कंवर विष्णु सहस्रनाम का प्रतिदिन पाठ भी आपको काफ़ी हद तक केतु के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। ऐसा भी हमारे रिसर्च में देखा गया है कि जहाँ केतु किसी मारक ग्रह के साथ बैठा हो और मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा हो, वहाँ भी इंसान अगर मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है या उसके क्लोज रिलेटिव, उसके घर के लोग उसके लिए पाठ कर रहे हैं और अगर लॉन्गविटी है तो जल्दी ही वह रिकवरी कर सकता है। साथ ही दान के रूप में आप शनिवार को या मंगलवार को दान कर सकते हैं। गरीबों को अगर दान कराया जाए या कुत्ते को रोटी खिलाना भी कई बार माना जाता है, या मछली को चारा डालना या चिड़िया वगैरह जो पक्षी हैं उनको दाना खिलाने से भी केतु के प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन 100% तो कोई भी दुष्प्रभाव किसी भी ग्रह का दूर नहीं होता। 80% तक आप मान सकते हैं कि वह प्रभाव कम किया जा सकता है अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले। और दान का तो कलयुग में बहुत ही महत्व है, भगवान का नाम लेना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ राम राम भी प्रतिदिन आधे घंटा करे तो वो भी उसके लिए काफ़ी उसके लिए लाभदायक होगा अगर उसकी केतु की दशा चल रही है। आभा जी, अब हमारी बारी है स्पेशल सेगमेंट की, जिसमें हम अपने व्यूअर्स के सवालों के जवाब देते हैं। किसी एक व्यूअर जो हमारे लकी व्यूअर हैं उनकी पत्री को यानी कि उनकी कुंडली को देखती हैं आभा जी और सवालों के जवाब देती हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं आज हम? जी, आज मैंने जो बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास आई हैं उसमें से संजय जी का मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। इनका जन्म तिथि है 26 जनवरी 1978, 2230 पटना, और इन्होंने पूछा है कि इन्हें पिछले साल होली के बाद से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्यवसाय में और इनका घर भी बदल गया है, तो इनकी स्थिति कब तक ठीक होगी? इनकी कुंडली में मंगल में शनि की दशा चल रही है जो अगले साल जून 2019 में ख़त्म होगी, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में नीच का होकर 11वें घर में बैठा है, इसीलिए, और ये अष्टमेश भी है इसीलिए इनके जीवन में थोड़ा ये स्ट्रगल का समय है। 4 साल में यह मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी और फिर राहु की महादशा शुरू होगी। 18 साल की राहु की महादशा, जहां राहु इनके लगन में बैठा है और केतु सप्तम में, तो यह दशा इनको बहुत अच्छी सुख समृद्धि देगी। साथ ही इस समय अगर यह मंगल और शनिवार को दान करें और नारायण कंवर विष्णु सहस्रनाम प्रतिदिन करें, और अगर वह भी नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा का प्रतिदिन
सात बार पाठ करें तो इनको इस जो ये स्ट्रगल का पीरियड है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट्स हैं और इनकी दशाओं में जनरली इंसान की जीवन में उथल पुथल सी हो जाती है, तो उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है। थैंक यू। तो संजय जी, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको ज़रूर मिल गया होगा। अगर आप फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आभा जी से संपर्क कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। और जो उपाय आभा जी ने बताए हैं मीन द टाइम, आप उन सारे उपायों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आभा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आभा जी से, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आभा जी से मिल सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वेदांग ज्योतिष।